से नो टू ड्रग्स, ये एक बड़ी पावरफुल कैंपेन है जिस पर दिल्ली पुलिस तेजी से काम कर रही है और युवाओं और समुदायों को इसकी खतरनाक पकड़ से बचाने के लिए जागरूक कर रही है। दिल्ली पुलिस जमीनी तौर पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दोनों के जरिए जनता के बीच ज्ञान और सतर्कता का भाव लाने के प्रयास में लगी है। इस पहल के तहत स्कूलों और कॉलेजों में बड़े पैमाने पर कार्यशालाएं और सेमिनार्स आयोजित हो रहे हैं। 12 जून को नशा मुक्त भारत पखवाड़ा का दिल्ली पुलिस ने लाल किले में विमोचन किया। 26 जून को इसकी समाप्ति होगी। इस बीच कम से कम 500 लोगों ने भारत को नशा मुक्त बनाने की ई प्रतिज्ञा भी ली। न्याय की अपनी निरंतर खोज में दिल्ली पुलिस इस कोशिश में भी रहती है कि अवैध नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल लोगों को तुरंत पकड़ा जाए। अवैध काम कर रहे लोगों की गिरफ्तारी से एक सार्थक और पक्का संदेश जाता है। इससे नशीली पदार्थों की आपूर्ति भी बाधित होती है और संभावित अपराधियों को एक मजबूत संदेश मिलता है। शिक्षा और जागरूकता के साथ दिल्ली पुलिस दिल्ली को नशीली दवाओं से मुक्त बनाने के अपने प्रयास में तेजी से कार्यरत है, लेकिन इस पूरी कोशिश में लोगों को भी साथ में जुटना होगा ताकि दिल्ली हो अपराध मुक्त और हम मुस्कुराहट के साथ कह सकें से नो टू ड्रग्स। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा हकीकत।